बीते दिनों जनपद में हुई 240 मिलीमीटर बारिश की वजह से शहर में भारी जलजमाव हो गया था, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। शहर के कई छोटे बड़े नाले मूसलाधार बारिश के कारण ओवरफ्लो हो गए थे, जिसकी वजह से सड़कों पर भारी जलजमाव की स्थिति बन गई थी। जलजमाव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम प्रशासन ने पंप के द्वारा पानी का निकास करवाया, जिससे कई जगहों पर आवागमन शुरू हो गया था। नालों के जाम होने की समस्याओं के लिए पॉलीथीन भी एक प्रमुख कारण है। नगर निगम प्रशासन ने पॉलीथीन को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए अभियान चलाकर पॉलीथीन विक्रेताओं को प्रतिबंधित करेगी। जो भी विक्रेता पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं उनको चालान काटेगी। फिर भी अगर दुकानदार पॉलीथीन का प्रयोग करता है तो उक्त फर्म को सील किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, अभी कुछ दिन पूर्व जो है जनपद में 240 मिलीमीटर की बारिश मात्र 6 घंटों में हुई, जिसकी वजह से इस शहर में काफ़ी पानी इकट्ठा हुआ। 230 बड़े छोटे मध्यम श्रेणी के नाले थे जिन्होंने इस पानी की निकासी को पूर्ण कराया। बंधे पर 11 पंप स्थापित हैं, जिनमें विभिन्न क्षमताओं के ट्यूबवेल्स और डीजल पंप लगे हैं, जिनके माध्यम से इस पानी को शहर से बाहर किया गया है। एक विशेष नाला जो पुलिस लाइन से लेकर के सावित्री हॉस्पिटल्स, कप्तानगंज पुलिया, तिंघर पुलिया होते हुए बक्सीपुर के पीछे बिजली घर के पीछे से जा रहा है, इस नाले में जलजमाव की स्थिति बनी। नाले का मुंह आगे सकरा हो जाने की वजह से ज़्यादा पानी आने की स्थिति में पीछे पानी भरा है, तो इस नाले के चौड़ीकरण के लिए एक पूरा सर्वेक्षण कराया जा रहा है कि भविष्य में इस नाले को और गहरा किया जा सके। साथ ही साथ लाल डिग्गी की तरफ जहाँ पे इस नाले की चौड़ाई कम हुई है, जिसके वजह से बोटल नेक की स्थिति बनी है, इसको दूर किया जा सके। साथ ही साथ पुलिस लाइन के पीछे की तरफ से आने वाला पानी, जैसे जो गोलघर की कॉलोनियों की तरफ से है, बस अड्डे की तरफ से है, रेलवे स्टेशन का है पानी, इसको अब शहर के अंदर से पास ना करा करके शहर से बाहरी बाहर इसको बस अड्डे के सामने से होते हुए यूनिवर्सिटी के सामने होकर छात्र संघ चौराहे की तरफ से जाने वाले नाले में, जो पैडलेगंज से रामगढ़ ताल में जाके गिर रहा है एसटीपी में, उससे मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है, जिससे भारी मात्रा में पानी को शहर के अंदर प्रवेश करने से रोक करके दूसरे दिशाओं में डाइवर्ट किया जा सकेगा। इस बारिश के मौसम में भी जो पानी आया है बहुत तीव्र गति से इसको निकाला गया है, और जहाँ जहाँ पानी कैंपसों में भरा है उनको भी कुल 74 से ज़्यादा पंपों के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। नगर निगम कृत संकल्प है, कहीं भी जलजमाव नहीं होने देगा। साथ ही साथ जहाँ पानी 3 घंटे से ऊपर रुका है उन सभी जगहों पे ब्लीचिंग का छिड़काव किया जा रहा है, क्लोरिनेशन किया जा रहा है, डस्टिंग किया जा रहा है, और साथ ही साथ आज से सभी नाले नालों में जो है स्प्रेइंग का काम, फागिंग का काम पुनः चालू कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार के संक्रामक रोग इन सब की स्थिति ना फैलने पाए। पेयजल में शुद्धता बनाए रहने के लिए जलकल की तरफ से लगातार ब्लीचिंग किए जा रहे हैं। जिन हैंडपम्पों में जरा भी शिकायत आ रही है दूषित पानी की, तुरंत उसको सफाई की जा रही है, हैंडपम्पों की मरम्मत की जा रही है। जहाँ कुछ हैंडपम्पों में पानी जाने की शिकायत मिली है उनका दोबारा क्लोरिनेशन कराया जा रहा है। नालों की जाम की वजह से प्लास्टिक काफ़ी है, तो इस पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं? निश्चित रूप से प्लास्टिक इस समस्या का एक बड़ा कारण है। प्रदेश स्तर पर पॉलीथीन के प्रयोग जो 50 माइक्रॉन से कम के हैं उनको पाबंदी लगा दी गई है। जनपद स्तर पर भी कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। नगर निगम जो है कल से इस प्लास्टिक के खिले के विशेष अभियान चला रहा है, जिसमें न सिर्फ प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा बल्कि जो भी इसका प्रयोग करेगा उसके खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। जो भी फर्म है, दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, घूमती वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो भी इसका प्लास्टिक का प्रयोग करेगा उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा, और यदि इस अफेंस को वो रिपीट करेगा तो फिर उसके फर्म को सील किया जाएगा।